हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन यहां पे क्या है, मांस। तो मांस में नहीं होता है वो। सोयाबीन, सोयाबीन में भी नहीं होता है। गाजर, गाजर में भी नहीं होता है। दूध में होता है। किसमें होता है? दूध में। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। देखो प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक है, के यौगिक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखो, यहां पे प्रोटीन का संगठन, प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर सल्फर है। ठीक है, उसके बाद में दूध जो है दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग केसीन नामक, केसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहां भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? डी ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को देखो वापस एक बार, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? अब देखो यहां पे ए ऑप्शन यहां पे कैलोरी, क्या है भाई? कैलोरी सही होगा। ओम नहीं भाई, नहीं होगा। अर्घ नहीं, जूल नहीं। सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर की ऊर्जा, तो ऊर्जा जो है ऊर्जा मापन की इकाई यानी कैलोरी। तो यहां पे देखो कैलोरी ऊर्जा मापन की, ऊर्जा मापन की
इकाई है, ठीक है। कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो इसका, यह है मापन की मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति का अंग है और इसके संगत SI प्रणाली, SI प्रणाली में जूल का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, कैलोरी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, एक जैविक उत्प्रेरक है। चलो अब ए ऑप्शन यहां पे एंजाइम, तो एंजाइम चलो ठीक है सही होगा, हार्मोन नहीं भाई, खनिज नहीं, विकिरण नहीं, सही आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, एंजाइम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। अब ए ऑप्शन यहां पे क्या है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज सही होगा भाई, सुक्रोज नहीं, माल्टोज नहीं, लैक्टोज नहीं, बिल्कुल इसका ए ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पे देखो, फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर, शुगर एक साधारण चीनी है, साधारण चीनी है जो जो स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से फल शहद और गन्ने में होती है, किस में होती है भाई, गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहां पे यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है, जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है, ठीक है। तो कार्बन, कार्बन सही होगा, बेरियम नहीं होगा भाई, एंटीमनी नहीं होगा, क्यूरियम नहीं होगा, कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख है, ठीक है, और यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात,
प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन कार्बन बिल्कुल सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। लोहा? नहीं भाई। नाइट्रोजन? नहीं। कार्बन बिल्कुल सही होगा। मैग्नीज? नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? अब प्लाज्मा? तो प्लाज्मा नहीं भाई। प्रोटीन भी नहीं, वसा भी नहीं। पानी बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? विटामिन? विटामिन सही होगा। कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा भाई। वसा? नहीं। एमिनो अम्ल? ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो केंद्रक? नहीं भाई। जीन बिल्कुल सही होगा। यहां पे है लयनकाय? नहीं होगा भाई। गुणसूत्र? नहीं। यहां पे होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? चलो तेजी से मत चलें, तो ये नहीं होता है। यहां पर है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल सही होगा। सी देखो, यहां पे डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर? नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, है ना? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है? तो अभी ये क्वेश्चन हमने किया था, तो बताओ यहां पे कौन सा होगा? तो देखो यहां पे हमारा डाई न्यूरो एसिड, ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा और सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सोल्व किया है। तो यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग किसके कारण होता है? पेक्टिन? नहीं भाई। केरेटिन? नहीं होगा। मेलानिन बिल्कुल सही होगा। केरोटीन? नहीं होगा। सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटीन संश्लेषण में सार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? देखो वापस देखो क्वेश्चन को, प्रोटीन संश्लेषण में सार इवेंट के इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? ठीक है, तो डीएनए प्रति? नहीं होगा भाई। एमआरएनए प्रति बिल्कुल सही होगा। आरएनए प्रति नहीं होगा। डीएनए और आरएनए प्रति नहीं होगा भाई, है ना?
कौन सा होगा? यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है? प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है? अब ए ऑप्शन देखो, यहां पे ए ऑप्शन है एमआरएनए कॉपी, तो नहीं होगा भाई, आरएनए कॉपी नहीं होगा। डीएनए कॉपी बिल्कुल सही होगा, यहां पे यह भी नहीं होगा, है ना, यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम मूलतः होते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब यहां पे जीन एक्सप्रेशन तो नहीं होगा भैया, एनोटेशन बिल्कुल सही होगा, यहां पे बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा भैया, यहां पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है, सी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, जीन। ठीक है, कौन सा होगा? जीन। तो जीन हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यहां पे स्पेस है, डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। अब यहां पे देखो, गुणसूत्र नहीं होगा, लक्षण नहीं होगा, नाभिक नहीं होगा, वंश इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? अब देखो, आरएनए का मैंने आपको पहले बताया था कि आरएनए का जो पूर्ण रूप होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? देखो, ए हमारा नहीं होगा, रिबो न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल सही होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा भाई हमारा? हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? अब यहां पे कार्बन नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा भाई, ठीक है, ए और सी नहीं होगा। अब बी है यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल सही होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा,
ना, कैल्शियम भी नहीं होगा, कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन, ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में 6 तत्व पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 6 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, पाई जाती है, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल सही होगा। अब देखो, ऑक्सीजन 65% पाई जाती है, ठीक है, और अन्य तत्व जैसे कार्बन, कार्बन की बात करें तो यह होती है 18%, और उसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 10%, उसके बाद में नाइट्रोजन, परसेंट, कैल्शियम 2%, उसके बाद में फास्फोरस कितना भाई? 1%, ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी जो है यहां पे सही होगा, एंजाइम सही होगा, और इनमें से सभी कोशिका झिल्ली बिल्कुल सही होगा भाई, कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो प्रोटीन, एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हमने पहले भी अभी किया था। तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी बिल्कुल सही होगा, कौन सा होगा? केसिन, तो दूध का प्रोटीन है केसिन, बिल्कुल सही है, और यह क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था। तो केसिन दूध का प्रोटीन है, डी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब ए ऑप्शन यहां पे है पाइसम सटाइवम, बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम, ठीक है, कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? किसके भाई? लड़की के जन्म के कारक होते हैं, तो उसका होता है भाई डबल एक्स, है ना, एक्स एक्स, तो यहां पे हमारा हो जाएगा भाई डी ऑप्शन होगा, कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो यहां पे देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई? 46, ठीक है, 23 जोड़ी, सही है, ठीक है। होती है, ठीक है, उसके बाद में
मनुष्य जाति, एक सेकंड, में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्वि रूपता तेईसवीं जोड़ी के गुणसूत्रों की भिन्नता के कारण क्या होती है भाई? विकसित होती है। विकसित होती है, इसीलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है भाई, यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखो यहां पे पृथक्करण का सिद्धांत तो ये नहीं होगा भाई, प्रभुत्व का सिद्धांत नहीं होगा, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत यह भी नहीं होगा। यहां पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन, बायोफिक्स का सिद्धांत। बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। क्लियर है? ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? देखो वापस देखो क्वेश्चन को एक बार। जीव जो अधिक दूर के संबंधी है, ठीक है, उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? अब ए ऑप्शन क्या है? आणविक जाति वृत्त। आणविक जाति वृत्त तो ये सही होगा भैया, है ना? ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा, आणविक जाति वृत्त। तो बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जींस का आधा हिस्सा, बिल्कुल सही है, अपने जीन का तीन चौथा हिस्सा नहीं भाई, सभी जीन नहीं भाई, अपने जीन का एक चौथा हिस्सा नहीं होगा भाई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अपने जीन्स का आधा हिस्सा, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे 43 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 46 बिल्कुल सही होगा, 46 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, तो वो होते हैं 46, 46 हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन से नहीं, स्वांगीकरण नहीं, अनुवंशिक लक्षणों के संचारण से, बिल्कुल सही होगा, पोषण से नहीं भाई, यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो गुणसूत्र अनुवंशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। ठीक है,
गुणसूत्र के द्वारा अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं। अब देखो, ए ऑप्शन यहां पे क्या है, न्यूक्लियोसोम, नहीं भाई नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा, उसके बाद में होगा सेंट्रोमियर बिल्कुल होगा, जीन नहीं होगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सेंट्रोमियर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। चलो भाई, तो कौन सा नहीं है, तो यहां पे है झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज यहां पे कौन सा गुण नहीं है भाई, झुर्रीदार बीज सही होगा, यहां पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण इनमें से कौन सा नहीं है, झुर्रीदार बीज। बाकी देखो, हरी फली बिल्कुल होती है, गोल बीज होगा, यहां पे है गोल फली बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा गुण नहीं है, तो गुण के लिए पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो झुर्रीदार बीज तो ये नहीं होगा भाई ना, तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक है, चलो युग्मक नहीं भाई, अनुवांशिक ही नहीं होगा, जीन, जीन बिल्कुल सही होगा भाई, जरम कोशिका नहीं होगा, कौन सा होगा, यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जीन सभी जीवों में अनुवांशिक लक्षणों के संचरण के वाहक होते हैं, सभी जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण अनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन जीन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। अब यहां पे टिश्यू कल्चर बिल्कुल सही होगा, बहुविखंडन नहीं होगा, पुनर्निर्माण नहीं होगा, द्विबीजपत्री विखंडन नहीं होगा, टिश्यू कल्चर बिल्कुल ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। अब यहां पे 44 गुणसूत्र प्लस यहां पे है डबल एक्स। ठीक है, तो इसको टिक करते हैं भैया ना, यहां पे है 44 गुणसूत्र प्लस यहां पे एक्स वाई नहीं होगा, 22 गुणसूत्र प्लस यहां पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 44 गुणसूत्र समजात होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा होगा भाई ए ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, गुणसूत्र से बिल्कुल सही है भाई, माँ का रक्त समूह से नहीं, माता पिता के RH कारक से नहीं, माता पिता के रक्त समूह से नहीं, गुणसूत्र से भी, ए ऑप्शन यहां पे सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाई जीनोटाइप कहते हैं।
क्या कहते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप हमारा सी ऑप्शन में, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन में, अब यहां पे स्पेस है के प्रतीक का, फिर यहां पे स्पेस है, शामिल होते हैं लैंगिक प्रजनन में। अब देखो, ए ऑप्शन यहां पे क्या है, समान लिंग दो जनक, नहीं होगा भैया, विपरीत लिंगों, ठीक है, एक जनक, यह भी नहीं होगा, विपरीत लिंगों दो जनक, यह बिल्कुल सही होगा, कोई भी लिंग एक जनक नहीं होगा, यहां पे सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। तो प्रजनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है, जो एक अथवा दो जीवों के भागीदारी पर आधारित रहती है, ठीक है, तो हमारा होगा यहां पे करेक्ट सी ऑप्शन। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं, बताओ कितने होते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कितने होते हैं भाई, 23 यानी 23 होते हैं। तो एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने जोड़ों के समजात, ठीक है, होते हैं। तो यहां पे 23 कौन से ऑप्शन में है भाई, हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा होगा, यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, चलो अब यहां पे है डबल एक्स क्रोमोसोम्स, नहीं होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ये भी नहीं होगा, एक एक्स क्रोमोसोम्स बिल्कुल होगा, एक वाई क्रोमोसोम्स नहीं होगा, यहां पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है, और 23 जोड़ी होती है, ठीक है, जिसमें से 22 जोड़े आपस में समान होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 23, कितने होते हैं, 23, 23, बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, तो अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो कितने होते हैं भाई, 23 होते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।